Students, in the previous video lecture, we have studied about ions, we have studied about molecules. Okay, now today we are going to study about molecular mass. Molecular mass. Now, what does molecular mass? The molecular mass of a substance is the relative mass of its molecule as compared with the mass of the carbon 12 atom. मॉलिक्यूलर मास किसको बोला जाता है? इट इज द सेम वे एज दैट ऑफ द एटॉमिक मास. नोट इट डाउन. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास of its molecule as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 units, or you can say it is the sum of the atomic mass. It is denoted by U. जैसे हम molecular mass, atomic mass को denote करते हैं U से, इसका भी unit क्या है? U. Now we will see next the calculation of molecular mass. This is important. Calculation of molecular mass. How to calculate the molecular mass? It is the sum of the atomic masses. It is the molecular mass is equal to sum of the atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance. So what is atomic, or what is molecular mass, students? It is the sum of atomic masses. सारे एटम्स जितने भी प्रेजेंट होंगे उन सबके एटॉमिक मास को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से दिस इज द वे यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास. लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एग्जांपल, कैलकुलेट द molecular mass of H2O. अब molecular mass find करने से पहले आपको उनका individual atomic mass होना याद होना पड़ेगा. So you should remember some of the individual atomic masses. जैसे hydrogen का atomic mass 1U, oxygen का 16U, nitrogen का 14U, chlorine का 35.5U, कार्बन का याद रखना दैट इज 12U. सो देयर आर सर्टेन एटम्स हुज एटॉमिक मास यू शुड रिमेंबर. सल्फर्स एटॉमिक मास 32U, देन नाइट्रोजन हो गया. जो कॉमन एलिमेंट्स हम यूज करते हैं ना, उन सबका एटॉमिक मास आपको याद रखना ही पड़ेगा. सो दिस आर द सर्टेन कॉमन एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स जो हम यूज करते रहेंगे टू फाइंड द एटॉमिक मास आल्सो. Now I am asking you find the atomic mass of H2O. Molecular, sorry, find the molecular mass of H2O. अभी हमने आगे ही देखा था how to do the calculation for molecular mass. कैसे find करते हैं? It is a sum of atomic masses. जैसे यहाँ पे क्या होगा? क्या use कर रहे हो? ठीक है? और बेटर हाँ, यहाँ पे और elements का लिख लो. Magnesium का लिखो 24U. इतने elements हैं जिनका आपको atomic mass याद होना चाहिए. ठीक है? Phosphorus का 31U. पोटेशियम का 39U, कैल्शियम का
40U, आयरन का 56U, ठीक है, कॉपर का 63U. मतलब ये कॉमन एलिमेंट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला का एटॉम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को मिलता है. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O विल बी व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O विल बी हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर? 2. सो 2 into mass of hydrogen, and that is atomic mass of hydrogen plus oxygen is how many? 1. So 1 into atomic mass of hydrogen, sorry, atomic mass of oxygen. So sum of atoms, 2 हाइड्रोजन है. व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? इट इज 1U. तो 1U प्लस 1 इनटू व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? इट इज 16U. ऐड करो 2U प्लस 16U, दैट इज 18U. सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U. समझ में आया? जितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, so 2 hydrogen ke atoms, so 2 into atomic mass of hydrogen plus oxygen ke kitne atoms the, to 1, so 1 into atomic mass of oxygen. Total add karoge to aapko milega atomic mass of molecular mass of water. Now let us take one more more 2-3 examples, then it will become more clear to you. Next, find the molecular mass of NH3. और यू कैन से NH3 इज नोन एज अमोनिया. अमोनिया बोलते हैं उसको, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास. सेम मेथड. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट. हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन? 1. सो 1 इनटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन ओवर हियर? 3. सो 3 इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन स्टूडेंट्स? इट इज 14U. तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, और हाइड्रोजन का अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, हाइड्रोजन का 1U. तो सॉल्व करोगे तो दैट इज 14U प्लस 3U, दैट इज 17U. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज व्हाट? For 17U. Samajh mein aaya? So this way you have to calculate the molecular mass of the given compound. Let us do some more problems. Calculate the molecular mass of H2SO4. So again, the atoms which are participating, how many atoms of hydrogen? 2. So 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into how many sulfur? 1. So 1 into atomic mass of सल्फर. फिर और भी एटम्स है, यस, ऑक्सीजन. तो प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4. 4 इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. नाउ डू इट. व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? 1. व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? 32. What is the atomic mass of oxygen? 16U. Now substitute it, solve it. 2U plus 32U plus 16 fours are 64U. So total aapko kitna milega? 98U. So the molecular mass of H2SO4 is what? 98U. Clear? That is
How many atoms of hydrogen? 2. So it's like 2 into hydrogen. How many atoms of sulfur? 1. So 1 into atomic mass of sulfur. How many atoms of oxygen? 4. So 4 into atomic mass of oxygen. So substituting the values, the atomic mass of the certain elements, this are the atomic mass. You should remember atomic mass. Aapko yaad hone chahiye itne elements ke. Okay. Next, calculate the molecular mass. Last example. Then you will try it. Calculate the molecular mass of H2O2. H2O2 is known as hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. You have to calculate the molecular mass of H2O2. So try this. How many atoms of hydrogen, students? 2. So 2 into atomic mass of hydrogen. Plus more element. Yes, oxygen. How many oxygen atoms? 2. So 2 into atomic mass of oxygen. Substituting it. What is the atomic mass of hydrogen? 1. U. What is the atomic mass of oxygen, students? It is 16 U. Solve it. 2 U plus 32 U. That is 634 U. So what is the atomic mass of molecular mass of H2O2? It is 34 U. Clear? In the next class, we are going to study chemical formula in detail. How to make the chemical formulas that we are going to study. So for that, you have to refer the valency chart easily. Okay. Thank you.